हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? ओके, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हाय, दिस इज अंशु प्रिया, केमिस्ट्री एजुकेटर एट अन अकेडमी. और आज हम करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ देखा था. हमने देखा था कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुए थे, है ना बच्चों? जैसे कि आपका ये वैक्यूम पंप का भी डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रिकल नेचर जो मैटर का होता है उसके बारे में डिस्कवरी हुआ था, है कि नहीं? और आपका जो है फिर ये कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ, एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन्स का भी डिस्कवरी हो गया, है ना बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो है वो हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था. ठीक है, तो हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी थी कि कैसे कैसे जो है एक के बाद दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड देन फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थे, ठीक है, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है साइंटिस्ट को. ठीक है बच्चों, तो वो सारे डिस्कवरीज हुए थे. और आज के सेशन में जो है उस डिस्कवरी के आगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी जो कि आपका जेजे थॉमसन ने किया था, है ना. कैथोड रेज की डिस्कवरी आपका विलियम क्रूक्स ने किया, एंड देन फिर आपका उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जो कि जेजे थॉमसन ने किया. एंड इस सेशन में हम देखेंगे कि कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं पता था कि इतने चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. ठीक है बच्चों, तो वो चार्ज कैसे पता किया गया, ठीक है. एंड देन फिर उसके बाद प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, है कि नहीं. उससे पहले देख लेते हैं अभी तक सेशन, किन बच्चों ने सेशन अभी तक ज्वाइन कर लिया है. ठीक है, तो आज के सेशन में हम कुछ और नई स्टोरीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कुछ और नई स्टोरीज देखने वाले हैं कि कैसे कैसे एक के बाद दूसरा. एटम्स तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है बच्चों, उसमें आज हमें पता है ये चीजें कि आपका एटम्स जो है उसके अंदर प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स होता है. लेकिन उस टाइम पे जो चीजें हैं उस टाइम पे नहीं पता था साइंटिस्ट को. एंड उसके बाद कैसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए एक के बाद दूसरे, साइंटिस्ट ने फिर एक कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद फिर जो है हमें डिफरेंट चीजों के बारे में, डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में फाइनली पता चलते गया. ठीक है, हेलो गोकुल, हेलो पानू, गुड इवनिंग बच्चों, हेलो. जल्दी से यहाँ पे जो है आप चैट सेक्शन में हाय हेलो लिखो ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन बच्चे सेशन ज्वाइन कर रखे हैं, है ना. ओके, बाकी बच्चे भी आ जाएंगे धीरे धीरे. ठीक है बच्चे, अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है. ओके, हेलो मनोज, गुड इवनिंग. गोकुल, ओके. ऋतिक, ओके ओके. सोनिया, हेलो बच्चे, ओके. कैसे हो आप लोग, कैसा गया दिन आप लोगों का, पहले तो आप लोग बताओ जल्दी से. ओके, मिशन अकॉम्प्लिशिंग, ओके ग्रेट. हेलो, ये क्या लिखा है बच्चे आपने, नेपाल न्यूआल, ओके. हेलो पुष्प कुंज, हेलो बच्चे, ओके. जय श्री राधे राधे. सोनिया, ओके ये, ओके ठीक है. तो कैसे हो आप लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. लेकिन एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोग कैसे हो. ओके, हाँ आज था सॉल्यूशन का क्लास, और सॉल्यूशन मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ज्यादा ही टफ लगता है कि नहीं. एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चे, टफ लगता है सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला ज्यादा लगेगा, है ना, ये लग रहा है आपको. बट क्वेश्चंस जब करोगे ना तो वो बहुत ही इजी लगेगा आपको. अभी आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन जो है, ओके. तो हाय अंजलि, हेलो पानू, हेलो ऋतिक, हेलो, ओके. हाँ सुबह सॉल्यूशन का सेशन था बच्चे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना. उसमें हमने आज मोलैलिटी भी कंप्लीट कर लिया, नॉर्मैलिटी भी कंप्लीट कर लिया. नॉर्मैलिटी तो हमने लास्ट सेशन में ही कंप्लीट कर लिया था. फिर हमने पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन भी कंप्लीट किया है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका. एंड उसके बाद हमने फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट किया. तो बहुत सारी चीजें आपके जो सारे मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है आज हो चुके हैं. तो जल्दी से देख लेना उसको, इस सेशन के बाद जो है इसके रिकॉर्डेड सेशन को देख लेना, और उसके फॉर्मूले को कहीं नोट कर लेना, ठीक है बच्चों. एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उस हेल्प होगा, ठीक है. थैंक यू ऋतिक, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट. ठीक है, सॉल्यूशन का क्लास हो चुका है, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लेना, ठीक है. ओके ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके. बच्चे गोकुल, पीओएसी तो आपका मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है ना, पीओएसी आपका सॉल्यूशन का नहीं है ना, ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है.
तो हम अभी जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने वाले हैं, ठीक है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने वाले, उसका लेक्चर टू करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की तरफ हम जाने वाले हैं बहुत सारी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ये आज हमें पता है, इनफैक्ट ये आप फिजिक्स में भी यूज करते हो, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, करंट चैप्टर में जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो आप ये इलेक्ट्रॉन का जो कितना मैग्नीट्यूड होता है उसे यूज करते हो, लेकिन ये शुरू शुरू में जो आया था ना, ये मैग्नीट्यूड जो निकाला गया, तो ये अभी आप पढ़ने वाले हो कि आखिर क्या किया गया ऐसा, मतलब साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग श्याम, हेलो बच्चे, ओके, हेलो हीना। तो जल्दी से कोई चैट सेक्शन में बताओ बच्चों, आप लोग आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज की स्टोरी है ना बच्चे, अभी तो हमारी स्टोरी चल रही है, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी किया और क्या दिमाग लगाया, क्या कैसे डिस्कवरी किया, है कि नहीं? ओके ओके, फर्स्ट पार्ट चैप्टर का, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा लो आ रहा है, वॉइस लो आ रहा है, सबको लो आ रहा है वॉइस, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, वॉइस लो आ रहा है आप लोगों को, सबको लो आ रहा है वॉइस? ओके, सैम, महक, लीशा, ऋतिक, सबको लो आ रहा है वॉइस? ओके, नहीं आ रहा है, एक बार वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखो चैट सेक्शन में सारे बच्चे, ताकि मुझे लगे कि नहीं वॉइस तो आपको बिल्कुल सही आ रहा है ना। ऋतिक, रिजवान, लीशा, मनोज, ओके, वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस बहुत ज्यादा लो आ रहा है, वॉइस लो आ रहा है। सोनिया को तो बहुत ज्यादा क्लियर है, मनोज को क्लियर है, पता नहीं चला, ठीक है वॉइस। ये तो सारे बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे हो, ये तो मैं पूछ रही हूँ कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, आप कोई बोल रहा है ए ऑप्शन करेक्ट है, कोई बोल रहा है बी करेक्ट है, कोई सी, कोई डी, है ना, ये सारे, तो ऐसे में सामने वाले को कैसे पता चलेगा? उधर से हीना बता रही है, हीना का सजेशन है कि वॉल्यूम बढ़ा लो, है ना। चलो, जिन बच्चों को वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, आप ईयरफोन लगा के पढ़ाई कर सकते हो बच्चे, ईयरफोन में आपका सही आएगा वॉइस, ठीक है। सॉलिड स्टेट में अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है बाकी है, स्टाइक्योमेट्रिक हो चुका है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो है वो बाकी है, वो हम दो दिन बात करने वाले हैं, वो आपका फाइनल टॉपिक है मुश्किल से एक घंटे का, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है और हम आज की आगे की जो कहानी है वो सुनने वाले हैं, ठीक है बच्चे। आगे की कहानी को हम पिक्चराइज करने वाले हैं कि आगे आखिर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या ऐसा हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता चल गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता चल गया, प्रोटॉन्स पता चल गया, है ना। तो चलो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो वेलकम एवरीवन टू द सेशन, थैंक्स फॉर कमिंग, ठीक है बच्चों, अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले शेड्यूल जान लो, सुबह सुबह जो होता है, ऐसे तो आपको पता ही है, सुबह सुबह जो होता है आपका वो NEET 2022 एंड बोर्ड्स के लिए होते हैं, जिसमें कि अभी हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हुआ है, मतलब बस थोड़ा सा बाकी है, एक दिन का सेशन बाकी है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना बच्चे, बस वो बाकी है। और उसके बाद अभी चल रहा है हमारा सोल्यूशन चैप्टर, सोल्यूशन चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लगभग कंप्लीशन पे है, ठीक है। अब हम सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ने वाले हैं, तो ये आपका जो है ये 11 बजे होता है केमिस्ट्री का सेशन बच्चे, सुबह स्टार्ट हो जाता है 8 बजे से, 8 बजे आपका बायो का सेशन होता है, 9 बजे आपका बायो का सेशन होता है, 10 बजे फिजिक्स का होता है, 11 बजे केमिस्ट्री का होता है, 12 बजे आपका फिजिक्स का सेशन होता है, ठीक है। नीट शिखर जो कि अभी चल रहा है आपका, वो शाम वाला इवनिंग बैच होता है, 4 बजे होता है फिजिक्स का सेशन, 5 बजे होता है बायो का सेशन, 6 बजे फिजिक्स का होता है, 7 बजे केमिस्ट्री का होता है, 9 बजे आपका बायो का सेशन होता है। तो ये आपका डेली शेड्यूल है, रोज ऐसी क्लासेस होती है। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आई हैव मेंटेन मोर देन 10,000 ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव स्टडीड फ्रॉम NIT वारंगल, मास्टर्स किया है मैंने वहां से, ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया, 377 ऑल इंडिया रैंक से मेरे IIT जैम में, और मैं गेट क्वालिफाइड भी हूँ, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे आपको क्या गिवन है, आपको टेलीग्राम लिंक गिवन है, ठीक है। तो जितने भी आपके इस चैनल पर जितने भी आपके सेशंस होते हैं, ठीक है, उनके PDF नोट्स आपको वही मिलेंगे, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है इसे ज्वाइन करना है, और Unacademy सब्सक्रिप्शन, ये दो टाइप के होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। तो अगर आप लेते हो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हो एजुकेटर के साथ, आप लाइव पोस्ट एंड लीडर बोर्ड मिलेगा, टेस्ट सीरीज एनालिसिस मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री होता है, आपको बस Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है, एजुकेटर को फॉलो करो एंड फ्री में क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। अगर आप एक साल के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, एक साल के लिए, तो पर मंथ का कॉस्ट आपका 2,888 है,
और अगर आप यहाँ आइकॉनिक लेते हो एक साल के लिए, तो आपका पर मंथ का कॉस्ट 4,877 है। प्लस प्लस पे मैं भी पढ़ा रही हूँ बच्चे, मेरा रेफरल कोड है ANSHU, उसे यूज कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। और अब इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट नीट कॉम्बैट 4 करोड़ तक के स्कॉलरशिप को आप विन कर सकते हो। हर संडे होते हैं 11 बजे, क्वेश्चन करो, सॉल्व करो एंड टेस्ट होते हैं, और आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना ANSHU इसे अनलॉक करने के लिए, ठीक है बच्चों। और इसमें आप इतने सारे को इतना सही स्कॉलरशिप विन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जो भी नए बच्चे हैं, और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस, ऑल द सेशंस गोइंग ऑन, ठीक है। और तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, हाँ बच्चे, ब्रांच चेन का जो लाइक ब्रांच चेन का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है इन कंपैरिजन टू जो आपका लाइक जो सिंगल चेन होता है ना, मतलब जो स्ट्रेट चेन होता है उसके कंपैरिजन में ब्रांचिंग से वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें क्या? एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता दो बच्चे, हाउ इज योर जोश, ठीक है। आज के सेशन के लिए कैसा जोश है, हम स्टोरी सुनने वाले हैं, ठीक है। अब पढ़ाई थोड़ी करोगे, हम स्टोरी सुनोगे, है ना बच्चों। तो स्टोरी सुनना है आपको मस्त वाला, ठीक है। क्या हुआ था आगे, साइंटिस्ट ने क्या किया, है ना। तो जल्दी से बताओ कि कैसा है जोश आपका आज के सेशन के लिए। ओके ठीक है, ओके बिल्कुल हाई, बिल्कुल हाई। गोकुल का तो बिल्कुल हाई है, पूजा का हाई है, ओके हाई है पूजा का। एंड देन फिर मिस्टर फैबुलस, सानिया, यश राठौर, ओके हीना, ओके अच्छा हीना ने अपने नाम के साथ जो ये क्या कुत्ते का फोटो लगा रखा है, ऐसा क्यों बच्चे, ये कौन सी क्रिएटिविटी है आपकी, ठीक है। सोनिया, रेडी स्टडी गो, ग्रेट ग्रेट, ओके हाँ न्यू चैनल बिल्कुल, ठीक है ओके। सैम, सोनिया, ओके ठीक है। चलो फिर सारे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार है, हाई जोश है, तो चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। हम कहानी अपना स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है ओके, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कहानी सुनने के लिए, ठीक है। स्टोरी टेलिंग क्लासेस है ये, ठीक है, जो बचपन में नहीं होता था, जो क्लास 2 में आप करते थे, टीचर आपको स्टोरी सुनाते थे और आप सुनते थे, है ना, तो वही स्टोरी टेलिंग है, ठीक है बच्चे। तो हाँ, तो हमारी स्टोरी जो लास्ट स्टोरी था, ठीक है, वो आता है ना रिकैप, है ना बच्चे, रिकैप आता है ना जब आप कोई वो स्टोरी देख रहे होते हो, मतलब टीवी में, तो आता है ना रिकैप, पहले क्या हुआ था, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में, है ना बच्चों। तो अभी तक की कहानी क्या है बच्चे, अभी तक की कहानी क्या है, अभी तक जो हमारी स्टोरी हुई थी वो क्या थी, ठीक है, रिकैप अगर इसका किया जाए तो क्या था हमारा स्टोरी। रिकैप में ये था कि आपका ये क्रूक्स ने अभी तक, ठीक है बच्चे, अभी तक क्या था, क्रूक्स ने कैथोड रेज की डिस्कवरी कर दिया है ना। उसके बाद जेके थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बता दिया कि कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और यहां तक की जो कहानी है आपने सुन लिया है ना। अब आगे है कि नहीं बच्चे, अब आगे है कि नहीं, तो अब आगे चलते हैं, तो ओके तो देखते हैं आगे क्या हुआ था, ठीक है। तो अभी अभी जो है आपका जेजे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, अभी जेजे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है बच्चे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अभी तक के एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने पता कर लिया, ठीक है ठीक है, डिस्कवरी हो चुका है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और उसकी डिस्कवरी अभी तक में जेजे थॉमसन ने कर दिया है, जेजे थॉमसन ने अभी कर चुका है वो, ठीक है बच्चे। ये आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम्स में प्रेजेंट होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पार्टिकल्स। इसके बाद जेजे थॉमसन ने इसके बारे में और क्या क्या चीजें डिस्कवर किया, तो उसने, अब मैंने आपको एक चीज बताया था जो कैथोड रेज के पाथ में जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, कैथोड रेज के पाथ में अगर जब उसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब उसने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अब देखो कैथोड रेज का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है,
ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, है ना बच्चे। लेकिन उसे सीधा जाना था एनोड की तरफ, लेकिन उसने क्या किया, उसके डायरेक्शन, उसके पाथ पे ऊपर और नीचे, ठीक है, क्या किया उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स लगा दिए, ठीक है। तो अब उससे क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा, तो उससे ये फर्क पड़ा कि कैथोड रेस जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया किसकी तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स। और उसको उससे जेके थॉम्सन को ये समझ आ गया कि अब सिंस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज है वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ आके मुड़ जा रहा है, अपने रास्ते को चेंज कर ले रहा है ना, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जो है कुछ और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जीजे थॉमसन ने डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन भी निकाल लिया, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है ये भी पता कर लिया, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन भी जो है वो जेजे थॉमसन ने पता कर लिया, ठीक है। और जेजे थॉमसन ने ई अपॉन एम का रेशियो भी पता कर लिया, ई क्या आपका चार्ज है और ये आपका मास है, ठीक है। तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो भी इसने पता कर लिया, ठीक है, डिफरेंट गैसेस के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो भी उसने पता कर लिया। तो लेकिन वो इंडिविजुअली चार्ज या फिर मास का जो है वैल्यू, मैग्नीट्यूड पता नहीं कर पाया, मतलब उसने डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन बता दिया कि इतने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसने ये बता दिया कि चार्ज और चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है, डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट मासेस होगा, ठीक है, और उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो जो होगा वो क्या होगा ये भी उसने बता दिया, ठीक है बच्चे, ये भी उसने पता कर लिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअली क्या मैग्नीट्यूड होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो है वो पता नहीं कर पाया, ठीक है, ये पता नहीं कर पाया। तो इसके बाद अभी हमें पता है, अभी क्या वैल्यू बचे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नीट्यूड होता है, एक बार जल्दी से चार सेक्शन में लिख के बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे जो आपका एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है चार्ज का, जल्दी से बताओ कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है बच्चे, कितना मैग्नीट्यूड होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक बार दिल्ली से चार सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को पता है कि नहीं, देखती हूँ कितने बच्चे बता पाते, कौन बच्चे सबसे पहले बताता है, ओके हाँ, तो हीना ने बता दिया है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है बच्चे। तो ये आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये चीजें जो है आपका ये अब पता है, लेकिन उस टाइम पे आपका क्या था, उस टाइम पे पता नहीं था, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 1.6 नहीं बच्चे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है ना, मैग्नीट्यूड यही है चार्ज का, है कि नहीं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये चीजें जो है अभी पता है हमें, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था, उसने चार्ज, अब उसने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन मास का रेशियो तो बता दिया, ई अपॉन एम का रेशियो तो बता दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो नहीं बता पाया, ठीक है। तो उसको करने के लिए, उसे बताने के लिए फिर हम नए एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, जो चार्ज कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, इससे ये डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, आर एम मिलिकन, ये साइंटिस्ट का नाम है, आर एम मिलिकन ने 1909 पे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और वहां उसने ये एक्सपेरिमेंट इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको आपको लगेगा कि कितना क्या सही इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या इमेजिनेशन यूज किया, ठीक है बच्चों। तो उसने क्या किया, एक, ठीक है, एक पूरी एक जो है वो गैस का जो चैम्बर है एक तरीके से वो लिया उसने, ठीक है बच्चों, वन मिनट, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चे, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जो है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसने कि आपका एक उसने एक देख रहे हो ये बॉक्स, देख रहे हो ये बॉक्स आपका, ये जो है चैम्बर उसने लिया, उसने क्या किया, एक एटोमाइजर लगाया, ठीक है, ध्यान इसमें ध्यान से देखना कि इसने क्या क्या यूज किया है, ठीक है, ये एटोमाइजर लगाया। एटोमाइजर क्या, आप अगर मैं एटोमाइजर को अगर बोलू आपको तो ये क्या होता है, एक बार मैं आपको बताऊं, एटोमाइजर मतलब जो आप कह सकते हो कि परफ्यूम जो स्प्रे करने के लिए आप यूज करते हो, या फिर आप हिट वगैरह यूज करते हो ना बच्चे, तो उसमें कैसा होता है, आप ऐसे स्प्रे करते हो तो बहुत सारा जो है आपका लाइक छीटा पड़ता है ना, मतलब लाइक वाटर का, या ये कह सकते हो जो परफ्यूम आप ऐसे स्प्रे करते हो, ऐसे प्रेस करते हो तो उसमें से निकलते हैं, ठीक है, स्प्रे निकलते हैं ना, मिस्ट,
ये समझ आ रहा है आपको, एक बार चार सेक्शन में लिख के बताओ, ये समझ आ रहा है? परफ्यूम स्प्रे किया है कभी, है ना? परफ्यूम लगाया है कभी? जल्दी से बताओ, परफ्यूम लगाया है कभी? एक बार चार सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है बच्चे, मैं लाइव हूँ इंडियन यूट्यूब, मैं बिल्कुल लाइव हूँ, ठीक है? ओके, परफ्यूम लगाया है कभी? लगाते ही होगे, अभी तो आपकी वो नए नए जो है ना वो एज स्टार्ट हुआ है ना बच्चों? ठीक है, तो परफ्यूम तो लगाया? नहीं लगाया, बिल्कुल सीधे बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो कोई नहीं लगाया परफ्यूम, है ना? तो ओके ठीक है, तो परफ्यूम, ओके ठीक है, वेट 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 वेट, तो ये एटोमाइजर के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। ये एटोमाइजर क्या है? तो अब परफ्यूम जो आप यूज करते हो, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रेस करते हो तो स्प्रे होता है ना, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे परफ्यूम का एक डब्बा बनाऊ, आई डोंट नो कि ये सही बन रहा है कि नहीं, बट हाँ ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आप प्रेस करते हो, तो यहाँ से क्या निकलता है? एक स्प्रे होता है, तो यहाँ से आपका क्या है, वो परफ्यूम का स्प्रे जो है बाहर आता है ना बच्चे? ठीक है, स्प्रे होते हैं बाहर आते हैं, है ना? ओके मैम, मेरा सागर है। हाँ ओके, तो परफ्यूम स्प्रे किया है कि नहीं, पहले एक बार चार सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है ओके, जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक है, एटोमाइजर क्या होता है? एटोमाइजर जो है आपका, ओके ठीक है ओके, तो जैसे आप परफ्यूम को ऐसे प्रेस करते हो, ठीक है, मतलब परफ्यूम के बॉटल पे जो प्रेस करने के लिए जो आपको गिवन होता है, तो उस पे आप प्रेस करते हो, तो उससे क्या होता है, बाहर आपका निकलता है स्प्रे, मतलब जो एक एक तरीके से स्पीडली जो है आप क्या होते हैं, छींटे निकलते हैं ना परफ्यूम के, मतलब फिर आपको बहुत अच्छी स्मेल आती है कि नहीं, है कि नहीं? तो वो चीज है। तो क्या पूजा कुछ पूछ रहे हो क्या? यहाँ तो बच्चों ने परफ्यूम ही नहीं यूज किया है। कौन सा ये चैप्टर है? ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, ठीक है ओके ठीक है। परफ्यूम, अब मुझे यहाँ पे परफ्यूम का बॉटल लेके बैठना चाहिए था वैसे, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। नहीं तो चलो, आपने अपने घर में काला हिट लाल हिट वगैरह यूज किया कॉकरोच को मारने के लिए, मॉस्किटो को मारने के लिए? परफ्यूम नहीं यूज किया, चलो काला हिट लाल हिट जो भी कुछ भी यूज किया है। हाँ मैं फिर से बता रही हूँ, कोई नहीं। जैसे देखो, जैसे कि मान लो कि ये आपका परफ्यूम है, ठीक है, इसको आप ऐसे प्रेस करते हो, है ना? मान लो, ठीक है, ये परफ्यूम नहीं है वैसे, लेकिन ये मान लो कि परफ्यूम है ना बच्चे, एज्यूम, है ना, परफ्यूम का बॉटल है ये, तो आप इसको ऐसे प्रेस करते हो तो यहाँ से निकलते हैं, है ना, यहाँ से स्प्रे होते हैं, है ना बच्चे, यहाँ से स्प्रे होते हैं, है कि नहीं? ठीक है, यहाँ से स्प्रे होते हैं, जिसमें कि आपका लाइक मतलब क्या कहते हो आप, उसका जो परफ्यूम जो है वो बाहर निकलता है, स्प्रे करते हो तो परफ्यूम बाहर निकलता है ना, वो स्प्रे होता है फास्टली, है कि नहीं? सब लगाते हैं परफ्यूम, बट पता नहीं है कि उसमें से स्प्रे कैसे होता है। अब एक काम करो, घर में परफ्यूम का बॉटल है, उसे एक बार स्प्रे करके देखो, उससे कुछ निकल रहा है बाहर? है ना? अभी घर में परफ्यूम का बॉटल है ना, तो उसको एक बार ऐसे ऐसे प्रेस करके देखो, उससे कुछ निकलता है बाहर क्या, है कि नहीं? ओके चलो, मेरा वो डायग्राम देख लो, यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ मैं। अब डायग्राम से ही आपको बताना पड़ेगा, मुझे पता होता है कि यहाँ पे परफ्यूम का बॉटल भी नहीं देखा किसी ने, है ना, इतने शरीफ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और मेरा डायग्राम भी इतना इंटरेस्टिंग है। ओके ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने प्रेस किया, ठीक है, यहाँ ये डायग्राम देख के, तो अब यहाँ से कुछ निकलता है ना बच्चे? ठीक है, यहाँ से जो है आपका, आप स्प्रे करते हो तो यहां से आपका निकलता है परफ्यूम, है ना? ठीक है बच्चों, ये निकलता है कि नहीं? ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो ये परफ्यूम का बॉटल है, ठीक है, परफ्यूम का बॉटल है। परफ्यूम का बॉटल है। देखो, जो डायग्राम नहीं समझ आए, मतलब गंदा बना दो, उसमें लेबलिंग सही से कर दो, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ आप इसी डायग्राम के बारे में बात कर रहे हो, है कि नहीं? है कि नहीं बच्चे? मैं तो ये करती थी, मेरा डायग्राम खराब था तो मैं क्या करती थी, गंदा सा डायग्राम बना के लेबलिंग बिल्कुल सही करती थी, ताकि टीचर को पता कैसे चलेगा, है कि नहीं? ओके 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 ठीक है, तो ये आपका यहाँ से स्प्रे हो रहा है ना, स्प्रे हो रहा है, ठीक है, स्प्रे हो रहा है।
अब यहां से परफ्यूम स्प्रे हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको प्रेस करते हो तो यहां से क्या होता है, परफ्यूम निकलता है। उसी तरीके से ये जो एटोमाइजर है, ठीक है, एटोमाइजर है, इसके अंदर ऑयल्स है, ठीक है, ऑयल्स है। जब उसको आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो ऑयल्स के छींटे आते हैं, ठीक है, अंदर आपके क्या होंगे, ऑयल्स के बहुत सारे जो है आपके जो है ऑयल्स के बहुत सारे जो है छींटे आएंगे अंदर, जो आपका चैम्बर है उसके अंदर, ठीक है, ऑयल ड्रॉप्स आएंगे, ठीक है, ऑयल ड्रॉप्स इसके अंदर आएंगे, उसको आप प्रेस करोगे तो ऑयल ड्रॉप्स अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर जाएंगे। रिपीट करना है बच्चे, मैं ना आज मेरा परफ्यूम का बॉटल मैं ना पास रखना भूल गई आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको बिना परफ्यूम के बॉटल का समझ नहीं आना, क्योंकि मुझे दिख रहा है, वन मिनट रुको, ठीक है, ओके, चलो, परफ्यूम का बॉटल आपको समझ आ रहा है ना, आपको वन मिनट, ठीक है, वन मिनट। जैसे मान लो बच्चों कि ये आपके पास एक परफ्यूम है, इस बार मैं ढंग का डायग्राम बनाऊंगी इस तरीके से, यहां पे आपका, यहां पे प्रेस करोगे, ठीक है, इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहां से परफ्यूम निकलता है, स्प्रे होता है, ठीक है, स्प्रे होगा। ये क्या है आपका, परफ्यूम बॉटल है, ठीक है, परफ्यूम का बॉटल है, ठीक है, स्प्रे होता है यहां से, इसको प्रेस करोगे तो स्प्रे होगा। तो उसी तरीके से जब आप इसे, इसमें क्या है आपका ऑयल है, जब आप इसे प्रेस करोगे, जो एटोमाइजर है, ठीक है, इससे प्रेस करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर से फिर ऐसे स्प्रे होगा, और वो क्या स्प्रे करेगा, ऑयल ड्रॉप्स स्प्रे करेगा, ठीक है, ऑयल ड्रॉप्स। अब समझ आ गया, एक बार बताओ, अब समझ आ गया, जब इसे प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपको ऑयल ड्रॉप्स जो है वो अंदर जाएगा, अब समझ आया, ठीक है, समझ आया, अंदर क्या होगा, ऑयल ड्रॉप्स जाएगा, ठीक है, ये समझ आया। एक बार जल्दी चार सेक्शन में लिख के बताओ कि अब समझ आ गया कि जब आप उसे इस तरीके से प्रेस करोगे, ठीक है, ये जो आपका एटोमाइजर है, तो अंदर से क्या होगा, ऑयल ड्रॉप्स की वो छींटे मारेगा और अंदर ऑयल ड्रॉप्स जाएगा, ठीक है, चैम्बर के अंदर। जल्दी बताओ, एक बार समझ आ गया ये। हेलो अंजलि वर्मा, हेलो लिशा, ओके, ठीक है, अब समझ आ गया सबको, ठीक है, अब समझ आ गया, ठीक है, हाँ हाँ, सबको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, वो बच्चों को लग रहा था परफ्यूम की बातें हो रही है, थोड़ा लंबा चलने दो, है ना, अभी यहाँ पे मैं पूछू ना कि कौन सा परफ्यूम, तो लंबे लिस्ट आ जाएंगे ब्रांड्स के, ठीक है, सब मुझे पता है, सब यूज करते हैं, बस यहाँ पे नौटंकी कर रहे थे कि हम तो बहुत शरीफ है, हमने तो आज तक परफ्यूम यूज नहीं किया है, हमें तो पता है कि ये परफ्यूम में स्मेल भी होता है कि नहीं बच्चों, ओके, ठीक है, चलो फिर, ठीक है, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या, देखो, अब यहां पे ऑयल ड्रॉप्स है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे वन ऑयल ड्रॉप्स पे, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट करो बस एक ऑयल ड्रॉप पे आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेट करो वन ऑयल ड्रॉप। अब बच्चे ऑयल ड्रॉप अगर है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, एक ऑयल ड्रॉप मैं यहाँ लिखा देती हूँ, ठीक है, एक ऑयल ड्रॉप इस तरीके से शो कर दिया, ठीक है, वन ऑयल ड्रॉप। अब बच्चे बताओ कि ये ऑयल ड्रॉप जब यहाँ पे आएगा, मतलब तो ये ऑयल ड्रॉप कहाँ गिरेगा, नीचे के डायरेक्शन में जाएगा या ऊपर के डायरेक्शन जाएगा, एक बार चार सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका डायरेक्शन क्या होगा गिरने का, मतलब जो इसका डायरेक्शन जो है, मतलब इसका डायरेक्शन ये नीचे वाले पाथ पे जाएगा, मतलब ये नीचे गिरेगा, या फिर ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, एक बार जल्दी से बताओ, ये अप जाएगा या फिर ये डाउन जाएगा, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, चैम्बर के अंदर एक ऑयल ड्रॉप जो है कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, एक बार, हाँ, सोनिया रावत ने बताया नीचे जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ा होगा ना, अगर कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा ना, जो न्यूटन ने बताया था उसके जब सर पे एप्पल गिरा था, है ना बच्चे, तो उसने वहां से, उसके सर पे एप्पल गिरा तो उसने इतना बड़ा जो है लॉ दे दिया, है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का, हमारे सर पे एप्पल गिरता तो हम क्या करते, है ना, हमें गुस्सा आता बहुत तेज, है ना बच्चे, कि एप्पल किसने गिराया, है ना, है कि नहीं, ठीक है बच्चे, तो है कि नहीं,
अगर मान लो कि आप न्यूटन्स की जगह होते, कि अगर आपके सर पे एप्पल गिरता तो आप क्या करते? एक बार चार सेक्शन में लिख के बताओ आप क्या करते अगर आपके सर पे एप्पल गिरता। मान लो ऊपर कोई बर्ड बैठा है और आपके सर पे एप्पल गिरा दे, तो आप क्या करते? ओके ओके, खा लेते। ये अलग लेवल के भुक्कड़ बैठे हैं क्लास में, है ना, सर फोड़ देता। हाँ सर फोड़ देते बिल्कुल। खा लेते, खा जाते बिल्कुल। ठीक है तो हाँ ओके, हाँ मेरे को दे देता, थैंक्स अ लॉट, मैं भी खा ही लेती हूँ। ओके ओके ठीक है। तो न्यूटन्स ने क्या बताया था कि लाइक अगर कोई चीज ऊपर के डायरेक्शन से नीचे डायरेक्शन में इसलिए जाता है, गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये ऑयल ड्रॉप जो है आपका क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या होता है, क्या होगा, वो नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ कि इसी में जो ये आपका जो ये चैम्बर बना है, इसी में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि प्लेट्स लगे हैं, ठीक है, प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है इसको, प्लेट लगे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि ड्रॉप है, इसके ऊपर क्या लगा है, नेगेटिव प्लेट्स। ये थोड़ा गलत बना हुआ है डायग्राम, यहाँ पे ऊपर में नेगेटिव प्लेट्स होगा, ठीक है, प्लेट्स उल्टा लगा रखा है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी रीजन क्यों है ऐसा, ठीक है। और एक टेलीस्कोप लगा हुआ है नीचे वाले चैम्बर पे देखने के लिए कि लाइक इस पे अफेक्ट क्या हो रहा है, जो ये ऑयल ड्रॉप गिर रहा है यहाँ पे तो उस पे क्या अफेक्ट हो रहा है। तो टेलीस्कोप के थ्रू साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसे, ठीक है बच्चों। और इधर एक्सरे लगा हुआ है जिससे कि मतलब जो कि आपके ऑयल पे स्ट्राइक करेगा। तो ये आपका मैं थोड़ा यहाँ पे बड़े करके मतलब क्या कहते हैं उसे, जूम करके दिखा दे रही हूँ ये वाले एरिया को, ठीक है, सेकेंड चैम्बर को। तो यहाँ पे लगे हुए नेगेटिव प्लेट, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे लगा हुआ है नेगेटिव प्लेट, यहाँ लगा हुआ है आपका पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ऑयल ड्रॉप। इधर से क्या हुआ कि एक्सरे आया, स्ट्राइक किया, इधर से क्या हुआ, एक्सरे जो है स्ट्राइक किया इस ऑयल ड्रॉप पे, है ना, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे। तो क्या करेगा ये, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है जब कोलिजन हुआ तो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसमें कौन सा चार्ज पार्टिकल बचेगा, प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज बचेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है तो अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अंदर जो क्या होगा, 1 मिनट, अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑयल के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज जो ऑयल के अंदर आप पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऑयल के अंदर क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है एक्सरे के स्ट्राइक के कारण, ठीक है, एक्सरे ने जब उस पर कोलाइड किया तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। अब उसके ऊपर नेगेटिव प्लेट है, नीचे पॉजिटिव प्लेट है, तो बच्चे वो नीचे फॉल हो रहा था, नीचे फॉल हो रहा था किस रीजन से, ग्रेविटी फोर्स के कारण। एंड वो लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे दूसरा फोर्स भी है, वो कौन सा है आपका, वहां पे दूसरा फोर्स है जो जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की पे लगेगा, वो है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब देखो यहाँ पे ये ग्रेविटी फोर्स के कारण इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ये ऊपर जाएगा, है ना बच्चे। तो अब बात आती है कि आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सा फोर्स विन करेगा। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ। मान लो कि आप रोप खींच रहे हो, है ना बच्चे, आप देखो तीन फ्रेंड्स, मतलब रोप खींचने वाले, आपने वो गेम खेला है इसमें कि रोप के उस साइड 3 लोग होते हैं, उस साइड 4 लोग होते हैं, फिर दोनों मिलके जो है खींच रहे होते हैं रोप, तो कौन जो है कौन जीतेगा, है ना। तो एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन जीतेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जीतेगा या फिर ग्रेविटी फोर्स जीतेगा। कहाँ, मतलब वो जो ऑयल ड्रॉप में पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑयल ड्रॉप नीचे गिरेगा या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ऊपर जाएगा। ओके ठीक है बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। मैं बिल्कुल सही हूँ बच्चों, ठीक है। तो
तो जल्दी से बताओ कि आप जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स विन करेगा। जल्दी से बताओ, देखते हैं वोटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स विन करता है या ग्रेविटी फोर्स विन करता है। जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उसके बाद सोनिया इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओके इन ओके गेमिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स, सोनिया इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओके ओके पूजा इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओके बच्चे कोई अगर पी मूवीज अगर आपको डाउट है ना, तो आप जो है चैट सेक्शन में ही फेस कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर आज की सेशन को देख रहे हो और अगर आज के सेशन में आपको डाउट है और अभी आपको डाउट नहीं हुआ, मतलब कि आप बाद में पढ़ रहे हो तो डाउट हो रहा है, तो नेक्स्ट सेशन जब मेरा यूट्यूब का होगा तो उस टाइम पे भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मतलब उस टाइम पे चैट में प्लेस कर सकते हो कि मैम आपके उस क्लास में उस वहां पे उस टॉपिक पे डाउट था, ठीक है। बाकी वो टेलीग्राम पे भी है, लेकिन जो है बाकी मतलब आप चैट सेक्शन में प्लेस कर दो, क्लास में लाइव में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। ओके इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स को जो है वो क्या मतलब वोटिंग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स विन करेगा, है ना बच्चे। तो चलो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभी जो है ये जो है डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, जो आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो ना, वोल्टेज जो प्रोवाइड करोगे उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, एक वोल्टेज प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब अगर वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज आपने घर में टीवी लगाया होगा तो टीवी में आपके घर वाले बोलते होंगे, पहले के टाइम पे तो इसी तरीके से होता था जब मैं टीवी देखती थी बचपन में, वोल्टेज बढ़ाओ वोल्टेज घटाओ, या वोल्टेज बढ़ गया या वोल्टेज घट गया, है ना बच्चे। ये चीजें ये वर्ड सुना होगा घर पे, है ना। जल्दी से बताओ ये सुना है कि नहीं, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ ये वोल्टेज बढ़ाना घटाना, ये जो ये चीजें आपने सुनी है, ओके ठीक है। जल्दी से बताओ वोल्टेज, किसी ने आपको बोला है कि वोल्टेज बढ़ाओ वोल्टेज घटाओ, पापा ने, मम्मी ने, किसी ने, भाई ने, किसी ने, ओके जल्दी बताओ, ओके ठीक है, किसी ने बोला है क्या, बोला है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आप वही करोगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे भी वही होगा आपका, जब आप वोल्टेज को कम करते हो, बिल्कुल जीरो कर देते हो, बहुत लो वोल्टेज करते हो, ठीक है, बहुत लो वोल्टेज करोगे, बहुत लो वोल्टेज करोगे तो क्या होगा आपका, तो आपका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस टाइम पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, लो वोल्टेज पे नहीं, लो वोल्टेज नहीं, हाई वोल्टेज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हाई वोल्टेज, जब आप वोल्टेज को बहुत हाई कर दोगे, मतलब 10 वोल्ट कर दिया आपने मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया, ये आपका 10 वोल्ट पे चला गया, है ना, 10 वोल्ट पे, तो बहुत हाई कर दिया आपने वोल्टेज को, है ना बच्चे, मतलब हाई वोल्टेज रख लो। अब उसने कितना वोल्टेज किया था, तो एग्जैक्ट पे नहीं जाते हैं, बस ये इतना जान लो कि वहां पे मान लो कि आपने हाई वोल्टेज कर दिया, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज कर दिया। बहुत हाई वोल्टेज अगर कर दोगे, ठीक है, हाई वोल्टेज कर दोगे, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा आपका, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वो डोमिनेट हो जाएगा किस पे, ग्रेविटी फोर्स पे, ग्रेविटी फोर्स पे। तो ड्रॉप किसकी तरफ जाएगा, तो ड्रॉप आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अप ऊपर के डायरेक्शन में। जब आप वोल्टेज को बहुत हाई कर दोगे तो पावर बहुत इंक्रीज कर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ड्रॉप है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया, वोल्टेज को बहुत लो कर दिया, ठीक है। अगर मान लो कि आपने वोल्टेज को बहुत लो कर दिया, यहां पे आपका नेगेटिव प्लेट लगा हुआ है, यहां पे आपका पॉजिटिव प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट लगा हुआ है, ये आपका क्या है, ऑयल ड्रॉप है, जिसमें जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे केस में जब आपने क्या किया, वोल्टेज को लो कर दिया, वोल्टेज को लो कर दिया, तो ऐसे केस में आपका ये जो है ग्रेविटी फोर्स विन करेगा। ग्रेविटी फोर्स जो है, ये ग्रेविटी फोर्स है, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो ग्रेविटी फोर्स ऐसे में क्या होगा, विन करेगा, और फिर ये ड्रॉप जो है क्या होगा, अगर आपका वोल्टेज लो है तो ग्रेविटी फोर्स विन, ग्रेविटी फोर्स जो होगा वो आपका विन करेगा, एंड आपका ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स जो होगा ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स से, इलेक्ट्रिकल फोर्स से, ठीक है बच्चे। ग्रेविटी फोर्स आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ड्रॉप आपका क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है, डाउन जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे अगर मान लो कि आपने उसका जस्ट रिवर्स केस, अगर आपने वोल्टेज को हाई कर दिया,
वोल्टेज को हाई कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स विन करेगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स से, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये आपका यहां इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल, और ये आपका क्या हो गया ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अप डायरेक्शन में जाएगा। तो अब बात आती है कि हमें क्या करना है, ठीक है। हमें ऐसा, हम क्या करेंगे, वोल्टेज को ऐसे फिक्स करेंगे, इस मीडियम पे रखेंगे, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम, ठीक है। मिलिकन ने क्या किया, फिर उसने एडजस्ट किया वोल्टेज को, ऐसे वोल्टेज पे लाया जो कि मीडियम था, ठीक है, ना ज्यादा हाई था ना ज्यादा लो था, ताकि जो आपका ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, वो ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, वो एयर में फ्लोट करे, समझ रहे हो, एयर में फ्लोट करे, बीच में लटका रहे, समझ गए। तो उसने वोल्टेज को इस तरीके से सेट किया कि वो बीच में फ्लोट करे। रीजन क्या था उसका, रीजन ये था कि उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स को इक्वेट करना था ग्रेविटी फोर्स से, ठीक है, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिकल फोर्स को ग्रेविटी फोर्स से उसे इक्वेट करना था, ताकि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वैल्यू वो निकाल पाए, ठीक है। और ये जो है आपका, इतना समझ आया, जल्दी बताओ, इतना समझ आया, ओके, जल्दी बताओ, इतना समझ आया बच्चों, इतना समझ आया, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ सौम्या, ठीक है, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ ये चीजें समझ आई आप लोगों को, ओके, इतनी चीजें समझ आ गई सबको, जल्दी से बताओ बच्चों, समझ आ गया, ओके, हेलो वैशाखी, हेलो इंडियन गेमिंग, ओके, ठीक है। तो आपका जो है वो नीचे जाएगा ड्रॉप या ऊपर जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज लो रहेगा तो वो नीचे जाएगा, वोल्टेज हाई रहेगा तो वो ऊपर जाएगा, समझ गए बच्चों, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो उसने क्या किया, एक मिडिल वोल्टेज सेट किया, ठीक है, एक मिडिल वोल्टेज सेट किया उसने, एक मिडिल वोल्टेज उसने क्या किया सेट किया, तो वो जो वोल्टेज था वो ना ही ज्यादा हाई था, ठीक है, वो वोल्टेज ना ही ज्यादा हाई था ना लो था, एक मॉडरेट पे रखा उसने, मिडिल वैल्यू पे रखा वोल्टेज को, ताकि आपका क्या हुआ, ये जो ऑयल ड्रॉप है जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है वो आपका क्या हो, फ्लोट करे एयर में, ठीक है, ये आपका क्या करे, फ्लोट करे एयर में। अब क्या है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स और जो आपका ग्रेविटी फोर्स है वो दोनों बराबर हो गया, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फोर्स उस वोल्टेज पे, ठीक है, उस वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो इक्वल हो गया ग्रेविटी फोर्स के, ठीक है, इक्वल हो गया। इसने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया डिफरेंट साइज के ड्रॉप्स पे, ठीक है, वो तो बस एक ड्रॉप था, है ना, उसने क्या किया, फिर दूसरा ड्रॉप नीचे आया, ठीक है, उसका साइज कुछ अलग था, फिर उस पर भी उसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर तीसरा ड्रॉप उसका साइज कुछ और था, उस पर भी उसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसने एक चार्ट बना लिया जिसमें क्या था, मास ऑफ ड्रॉप, ठीक है, मास ऑफ ड्रॉप वर्सेस उसका, मतलब किस वोल्टेज पे उसका इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स इक्वल हो जाए, ठीक है, वोल्टेज, मास ऑफ ड्रॉप वर्सेस वोल्टेज का उसने क्या किया, चार्ट बनाया। ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज था जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स के लिए, हर मास के ड्रॉप के लिए, मतलब साइज उसका कुछ भी हो तो कौन से वोल्टेज पे उसका इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाए ग्रेविटी फोर्स के। तो उसने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या है बच्चे, अब यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो आपका किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, जो चार्ज है आपका, चार्ज प्रेजेंट है किसमें, ड्रॉप में, जो पॉजिटिव चार्ज है ड्रॉप में, जो चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है एंड ड्रॉप, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा, एंड किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज जो प्लेट के क्रॉस लगा है, वोल्टेज ऑफ प्लेट्स या फिर वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्लेट्स उस पे, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स ऑब्वियसली ग्रेविटी मास पे डिपेंड करेगा, तो मास ऑफ ड्रॉप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ड्रॉप पे डिपेंड करेगा। अब क्या है कि इसको कौन कौन सी वैल्यू पता है, तो मास ऑफ ड्रॉप जो है वो इसको पता है, यहाँ पे इसने चार्ट बनाया है, मास लिखा है यहाँ पे, है ना बच्चे, मास लिखा है, इधर इसने वोल्टेज लिखा है, तो मास ऑफ जो ड्रॉप है वो इसको पता है, ठीक है,
वोल्टेज जो प्लेट्स पे लगा है वो भी पता है, तो उसको बस ये नहीं पता, और ये क्या करेगा इक्वेशन के थ्रू वो सॉल्व कर लेगा। हम डिटेल में नहीं जाएंगे इक्वेशन पे, ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन को क्या किया उसने, सॉल्व कर लिया। ठीक है, दो चीजें पता थी इसे, मास ऑफ ड्रॉप पता था, वोल्टेज ऑफ प्लेट पता था, बस चार्ज जो प्लेट्स पे होगा, चार्ज जो ड्रॉप्स में प्रेजेंट है, हर ड्रॉप्स में डिफरेंट साइज के ड्रॉप्स थे, तो जो चार्ज प्रेजेंट है ईच ड्रॉप में वो आपका निकाल लिया उसने। ठीक है, फिर उसने चार्ज जो ईच ड्रॉप पे है उसका चार्ट बनाया, चार्ज ऑन ड्रॉप। ठीक है, पहला ड्रॉप पे देखा उसने तो क्या निकला उसको, 160 जेप्टू कूलम। ठीक है, 160 जेप्टू कूलम निकला। ठीक है, जेप्टो कूलम में ये सारे जो जो है चार्ज आपके जेप्टो कूलम में। ठीक है, फिर टू देखा तो 320 जेप्टो कूलम था। ठीक है, थ्री देखा तो, ठीक है बच्चे, 480 जेप्टो कूलम था। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज प्रेजेंट है ईच ड्रॉप में, ठीक है, वो आपका 16 का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है, मतलब कि पहला जो सबसे छोटा ड्रॉप जो था, ठीक है, सबसे छोटा ड्रॉप जो था उस पे जो चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद वो चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया था, जब एक्सरे ने स्ट्राइक किया था तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसके बाद उसमें जो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट रहा। ठीक है बच्चे, तो जो सबसे छोटा ड्रॉप है उस पे जो चार्ज रहा, चार्ज प्रेजेंट था, वो 160 जेप्टो कूलम था। ठीक है, मतलब 116:1 है ना, मल्टीपल है 160 का। जो दूसरा थोड़ा सा बड़ा साइज का था तो उस पे क्या है, 160:2 है ना, 320। तीसरा 116:3, मतलब कि सारे आपके 160 के मल्टीपल है, मतलब कि पहला जो सबसे छोटा ड्रॉप है, ठीक है, अगर वो आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला उससे तो कितना चार्ज, मतलब उस पे होगा टोटल कितना चार्ज उस पे है, तो इससे आपका जेप्टो कूलम को उसने कूलम में चेंज किया, कितना आया, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। और उसने निकाल लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, जल्दी बताओ, ये क्लियर है सबको, समझ गए बच्चे, ये समझ आ गया आपको, एक बार बताओ क्लियर हो चुका है, जल्दी बताओ बच्चों, ये समझ आ गया 1.6×10⁻¹⁹ कूलम कैसे आया, समझ आया आप लोगों को, ओके क्लियर है सबको, क्लियर है। ठीक है, उसने पहले क्या किया था, उसने पहले क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप्स जो कि आपके डिफरेंट मास के हैं उसका उसने चार्ट बनाया, इधर मास लिखा, इधर उस पे वोल्टेज, किस वोल्टेज पे उसका इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो वो वोल्टेज को उसने लिखा, नोट डाउन किया, ठीक है, नोट डाउन किया। अब जो चार्ज मास वर्सेस वोल्टेज का उसने नोट डाउन किया, चार्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, अब उसको तीन चीजें पता थी, है ना, अब इलेक्ट्रिकल फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, जो चार्ज प्रेजेंट है ड्रॉप पे उस पर डिपेंड करेगा, और जो वोल्टेज अप्लाइड हुआ है जो ये प्लेट्स के ऊपर उस पर डिपेंड करेगा, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा जो ड्रॉप का है। तो उसके पास मास ऑफ ड्रॉप पता था यहां से, है ना, जो चार्ट उसने बनाया था, और वोल्टेज जो अप्लाइड है ड्रॉप पे वो भी पता था, बस एक चीज नहीं पता था, चार्ज जो आपके ड्रॉप में प्रेजेंट है तो उस वो चीजें उसको नहीं पता थी, ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसने जब सारी चीजों को सॉल्व किया, इक्वेशन यूज किया, ठीक है, इक्वेशन पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इक्वेशन यूज किया, ठीक है बच्चे, इक्वेशन यूज किया तो उसे क्या मिला डेटा, कि जो सबसे छोटा ड्रॉप है ना, सबसे छोटा ड्रॉप उस पे जो चार्ज जो मिल रहा है उसे वो 160 जेप्टो कूलम मिल रहा है, जो उससे थोड़ा सा बड़ा है उस पे 320 जेप्टो कूलम मिल रहा है, उससे ज्यादा बड़ा तो 480 जेप्टो कूलम है। तो उसने अब ये चार्ज कैसे आया ड्रॉप पे, जब एक्सरे ने स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो फिर उससे पॉजिटिव चार्ज रहा है ना बच्चे, पॉजिटिव चार्ज रहा है, इसका मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 160 जेप्टो कूलम, उसको क्या किया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 160 जेप्टो कूलम, और उसको कूलम में उसने चेंज किया तो कितना आ गया, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। आई गेस कि आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हो चुका है, जल्दी बताओ ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो चुका है आपको, कि ये कैसे आया, मैग्नीट्यूड कैसे निकला, जल्दी बताओ, ओके सबको क्लियर हो गया, एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ कि आप लोग सबको क्लियर हो चुका है ये एक्सपेरिमेंट, ओके गेमिंग, ठीक है, ओके सोनिया, ओके ठीक है, सबको क्लियर हो गया है क्या बच्चे, वो यूनिट है, ठीक है, जैसे आप कूलम लिखते हो ना वैसे जेप्टो कूलम आपका यूनिट है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, अब जैसे कि 160 जेप्टो कूलम है तो मतलब कि, ठीक है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, जैसे आप कूलम है वैसे ही आपका, जैसे यूनिट होता है ना, यूनिट है आपका जेप्टो कूलम, ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर है,
तो 160 जेप्टोकुलम को कुलम में कैसे चेंज करोगे, 160 जेप्टोकुलम इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम, ठीक है, ओके, समझ आ गया, ओके, ये चीजें क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, क्लियर हो गई है क्या? तो इस तरीके से हमारा चार्ज जो प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होगा वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम, ये आपका मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपकी, है ना बच्चों, ये सारी चीजें, ये आपका क्या हुआ, ये आपका मुलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटोन का डिस्कवरी, ठीक है, प्रोटोन आपका कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है बच्चों, तो प्रोटोन की डिस्कवरी जो हुई है, ठीक है, प्रोटोन की डिस्कवरी कैसे हुई है, तो उसमें देखो, ठीक है, तो 1 मिनट, तो प्रोटोन की डिस्कवरी, वैसे चलो टाइम हो चुका है, वैसे प्रोटोन की डिस्कवरी हम क्या करेंगे, हम कल करेंगे, ठीक है, प्रोटोन की डिस्कवरी हम कल करेंगे, जैसे कि हम ही कर रहे हैं प्रोटोन की डिस्कवरी, है ना बच्चों, ठीक है, तो प्रोटोन की डिस्कवरी, ठीक है बच्चे, प्रोटोन की डिस्कवरी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि हम नहीं कर रहे हैं प्रोटोन की डिस्कवरी, ठीक है कि नहीं, तो हम कल जो है प्रोटोन की डिस्कवरी देखेंगे, ठीक है बच्चों, और कल एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, अगर आपको जानना है, ठीक है, जानना है अगर कि लाइक इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उनका कट ऑफ क्या होता है उनपे, लाइक उनको वहां तक पहुंचने के लिए, जो आपके ड्रीम कॉलेज है टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस, वहां तक पहुंचने के लिए कितना कट ऑफ की जरूरत है जनरल को, ठीक है, बाकी जो आपके लाइक बाकी जो जितने भी आपके जो लाइक जो जनरल नहीं है, ठीक है, उनको कितना चाहिए होगा, ठीक है, कितना कितना कट ऑफ चाहिए होगा आपको, ठीक है, वो चीजें, एंड फिर वो आपका लाइक उनमें क्या मतलब उसकी खास बात क्या है, कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके जो ड्रीम कॉलेजेस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के सेशन में, ठीक है, कल का सेशन आपका 9 बजे रात में होगा, ठीक है, 9 बजे रात में हम टॉप 10 इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनके कट ऑफ्स के बारे में एनालिसिस भी देखेंगे हम कि कितना कितने कितना आप स्कोर करोगे नीट एग्जाम में कि आप वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, तो कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है बच्चों, तो उसे अटेंड करना मत भूलना, जो कि हम 9 बजे करेंगे रात में, ठीक है, और दिन में आपका सोल्यूशन चैप्टर तो होगा ही, ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर तो आपका है ही, आगे हम सोल्यूशन चैप्टर में आगे करने वाले हैं, ठीक है, ओके, तो ओके, तो ठीक है बच्चों, तो फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है, और आप कल के सेशन को बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है बच्चे, आपके जो ड्रीम्स है आप देखोगे कि वहां तक पहुंचने का रूट क्या है आखिर, है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू साक्षी अरोड़ा, थैंक्स अ लॉट, तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया, आपको चीजें समझ आई, ठीक है, और बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल के सेशन में, बाय बाय, ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड नाइट।